नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+। मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा में, और जिस तरह से विधानसभा संग्राम में महासंग्राम छिड़ा हुआ है और चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चौधरी राम सिंह नेताजी यहाँ से चुनाव लड़ने आम आदमी पार्टी से जा रहे हैं। राम सिंह नेताजी के बारे में मैं आपको बता दूँ, दो बार पहले भी विधायक रह चुके हैं, और बदरपुर विधानसभा में जितना विकास राम सिंह नेताजी ने किया है उतना अभी तक किसी भी विधायक ने नहीं किया। मेरे साथ मौजूद है बदरपुर महिला विंग की उपाध्यक्ष भानु प्रिया जी, जिनसे बात करेंगे कि किस तरह से राम सिंह नेताजी की तैयारियां चल रही हैं। भानु जी, बहुत बहुत स्वागत। जी, मेरा नाम भानु प्रिया जी है। सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चौधरी राम सिंह नेताजी को बनाया गया है, केजरीवाल जी ने उनका काम देखकर, उनकी समाज सेवा देखकर और इतने लोगों का साथ देखकर उनको खुद बुला के टिकट दी है, तो क्या लग रहा है चुनाव जीतेंगे कैसे? देखिए, आप किसी भी घर में जाएंगे, पूरी बदरपुर विधानसभा में, अगर आप वोट मांगने के लिए किसी घर में भी जाते हैं कि अपील करते हैं कि राम सिंह नेताजी को सपोर्ट करिए, तो वो पता है क्या कहते हैं, ये राम सिंह जी का घर है, हमारी पूरी सपोर्ट है आपके साथ। और जिस तरीके से आज ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, सबको पता है कि राम सिंह नेताजी 1.5 लाख वोटों से विजय बनेंगे। बात ये होती है कि जब किसी को खीर नहीं मिलती ना, जब तक मिल रही थी तब तक तो खीर मीठी थी, जब नहीं मिली तो खीर खट्टी हो गई, तो वही वाली बात है। और विकास उन्होंने नहीं किया है, अगर उन्होंने विकास किया होता तो आज उनको टिकट मिलती। राम सिंह नेताजी को क्यों मिली टिकट? उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है, वो इतनी समाज सेवा करते हैं कि जनता उनको बहुत प्यार करती है, और आने वाले टाइम पे वही विधायक जी रहेंगे हमारे। इनकी उपाध्यक्ष आप हैं, इतना बड़ा पद आपको दे रखा है, किस तरह से महिलाएं रोज तैयारी कर रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं, और किस तरह की प्रक्रिया आपको क्षेत्र में देखने को मिल रही है? हर एक महिला यही चाहती है कि हमारा बच्चा पढ़े, शिक्षित हो, उनको स्वास्थ्य मिले, हर चीज़ मिल रही है, वो बस में फ्री है टिकट, उसके अलावा एक मशाल भी रखी गई है, अगर किसी को छेड़खानी करे या कुछ भी, चोरी डकैती बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए सारी सेफ्टी रखी है। तो महिला तो यही चाहती है कि केजरीवाल की सरकार ही आए, वो किसी को और किसी विपक्ष पार्टी को लाइक ही नहीं करती, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो हाथी या घोड़ा कुछ भी लेकर आ जाए मेरे लेके तो, मगर जो महिला है वो केजरीवाल जी को बहुत सपोर्ट करती हैं, और सबका वोट झाड़ू पे ही जाएगा। लेकिन दिल्ली में अगर देखा जाए तो लड़ाई अब कांग्रेस की नहीं रह गई है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, और आज ये दिन आ चुका है कि एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए बड़े से बड़े मंत्री, चाहे राजनाथ सिंह हो बीजेपी से, चाहे नितिन गडकरी हो बीजेपी से, चाहे कोई भी स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी, ये सब आज बदरपुर विधानसभा में आ रहे हैं, और वो इसलिए आ रहे हैं मीटिंग्स करने, मतलब इतने बड़ी केंद्र मंत्री कभी भी मीटिंग करने के लिए नहीं उतरे, तो आज ऐसा काम पहुंच चुका है कि मुख्यमंत्री को हराने के लिए ये सब जमीन पे उतर गए हैं। देखिए, उन्हें पता है कि अब तो कुछ होना नहीं है, अब तो कुछ होना नहीं है। जब इंसान सच्चा होता है ना, तो उसको हराने के लिए ना पूरी टीम जुड़ जाती है, तो उनको पता है कि अब तो अकेले से कुछ होना नहीं है, तो पूरी अपनी टीम लेके चलो, केजरीवाल जी जीतेंगे, ये सबको पता है। संदेश रहेगा 8 तारीख के लिए सबको, और क्या अपील करना चाहेंगी बदरपुर विधानसभा के लोगों को, महिलाओं को, और राम सिंह नेताजी के लिए क्या मैसेज रहेगा? जी, मैं यही बोलना चाहूंगी कि सुबह अपने घर से आप जल्दी निकलिए, और 8 तारीख को झाड़ू का बटन दबा के राम सिंह नेताजी को विजय बनाए, यही मेरी आप लोगों से अपील रहेगी।